मैं इस किताब का विमोचन दुनिया के किसी भी हॉल में कर लेता, किसी भी मंच में कर लेता, तो मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी यहाँ मिल रही है, क्योंकि इसी विश्वविद्यालय से 1998 में मैं पढ़ के पास हुआ। तो एक एक जो जुड़ाव है इस विश्वविद्यालय से, और निश्चित तौर पर शायद इस फीलिंग को आप सब लोग जो यहाँ हैं समझ सकेंगे कि अगर उसी विश्वविद्यालय में आज 21 साल बाद मेरी किताब का विमोचन हो रहा है तो वो एक अलग सी फीलिंग है। राजगिरी संस्था हमने शुरू की थी 4 साल पहले, और उसके पीछे जो वजह थी वो यही थी कि आप लोग तो खैर मैं मानता हूँ कि बहुत खुशनसीब है कि संगीत पढ़ रहे हैं और आपके जीवन में संगीत है। बदकिस्मती से बहुत सारा वर्ग अभी ऐसा है जिनको शास्त्रीय संगीत के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, और खासतौर पे हमको ऐसा शायद हम मान के चलते हैं कि छोटे बच्चे जो है 5 साल या 6 साल के, उनके लिए तो ये कोई एक ऐसी चीज है जो बहुत अजूबा है और वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को कुछ भी कठिन या आसान नहीं समझ में आता है, वो तो हम उसके लिए बना देते हैं। तो हम लोगों ने मुहिम शुरू की कि हम छोटे बच्चों में अवेयरनेस करें, और अवेयरनेस करने के तरीके को बहुत ही दिलचस्प, छोटा और मजेदार रखें, ताकि बच्चा जो है वो बोरिंग भी उसको ना लगे और वो सीखे। जैसे हमने ए टू जेड पूरा क्रिएट किया, ए फॉर एकॉर्डियन, बी फॉर बैंजो, सी फॉर कॉन्गो, डी फॉर ड्रम, ताकि उसके जीवन में कम से कम अगर वो 26 अल्फाबेट के बहाने 26 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम जान जाएगा छोटा सा बच्चा, तो वो हमारे लिए एक अचीवमेंट है। आई फॉर एजिल, जी फॉर जूस हार, के फॉर कोल। इसके अलावा हम लोग एक कैलेंडर छापते हैं, पिछले 4 साल से लगातार छाप रहे हैं, बड़ा कैलेंडर छापते हैं, और उस कैलेंडर में हम कोई एक थीम लेते हैं। जैसे पहली बार हमने जो शास्त्रीय गायकी के बड़े नाम हैं, जसराज जी हो गए, मतलब इंस्ट्रूमेंट से भी अमजद अली खान साहब हो गए, बिस्मिल्लाह खान साहब हो गए, ये पंडित भीमसेन जोशी जी हो गए, उनकी बड़ी तस्वीरें छापी और बिल्कुल सामान्य सा परिचय लिखा कि पंडित भीमसेन जोशी का जन्म फला तारीख को हुआ था, वो किराना घराने के थे, उनका निधन इस तारीख को हुआ, ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो अगर 30 दिन तक अपने सामने पंडित भीमसेन जोशी की तस्वीर देखते हैं तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वो ताउम्र याद रखेंगे कि वो पंडित भीमसेन जोशी को जानते हैं। इस तरह की इनिशिएटिव को करने का मकसद सिर्फ ये था कि पहला जो एक 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 भ्रम कहने या एक मिथ क्रिएट कर दिया गया कि शास्त्रीय संगीत ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई अलग सी चीज है कि उसको जानना या समझना या उसको सीखना मतलब असंभव है। जब तक हम इस मिथ को नहीं तोड़ेंगे तब तक शायद हम उससे जो हमारी एक दूरी है वो दूरी बनी रहेगी। तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी फिल्मी संगीत में जो शास्त्रीय रागों का अलग अलग प्रयोग हुआ है, ये वर्षों पुरानी बात है। पहले तो जितने फिल्मी गाने होते थे सभी में शास्त्रीय रागों का आपको दर्शन मिलेगा, हर रागों में आपको कुछ ना कुछ वही आधार से सारे संगीत को, संगीत शास्त्रीय संगीत को ही बेस बना के पहले जितने पुराने जो संगीतकार थे वो सब करते थे। आज उसको कुछ मिक्स करके कुछ अलग भी बातें सामने आ रही है। तो चूंकि समय बहुत अधिक हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता का विषय है, मैं इन दोनों को बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूँ और बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामना भी देता हूँ अपने विभाग की ओर से, अपने सारे फैकल्टी की ओर से।